शियालिया गई का नीचे गठबंधन हो गया, फेरे शुरू होने वाले और कहीं लड़की ये सोचकर भाग तो नहीं गई कि पूरब की शादी बुलबुल से हो रही है। लेकिन मिताली जहां तक तो उसे जानती है तो इस तरह घर छोड़कर भागने वालों में से नहीं है, कहीं अपने रूम में तो नहीं है। आलिया, 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 अरे कमाल है, अपने कमरे में भी नहीं है, नीचे सब लोग हैं और इसका कुछ पता ही नहीं, अभी के रूम में तो नहीं है। फेरे की रस्म शुरू करते हैं, पहले चार फेरों के लिए वर आगे आएगा। यस, यू डिड इट आलिया, फाइनली यू डिड इट। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव। ये लड़की यहाँ भी नहीं है, तो आखिर ये गई कहाँ? अरे यहाँ भी नहीं है। ओ गॉड जी, अब तो बता दीजिए कि आलिया है कहाँ? बाकी के फेरों के लिए वधु आगे आएगी और वर पीछे जाएगा। ये ब्रेसलेट, ऐसी ब्रेसलेट तो आलिया पहनती। मुझे पता है तुझे शादी करने की बड़ी जल्दी है, लेकिन थोड़ा धीरे चल, पीछे वो पूरब गिर जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। आराम से, पंडित जी के मंत्र तो खत्म होने दे। कहाँ ढूंढूं ये आलिया को, सब जगह मैं देख चुकी हूँ तो भी मुझे नहीं मिल रही है। गेस्ट रूम, पर यहाँ क्यों होगी वो? ये तो बुलबुल को तैयार होने के लिए दिया था ना। अब छठवा फेरा लीजिए। ये क्या हो गया है मुझे, क्यों बेकार की चीज सोच रहा हूं? अब छठवा फेरा समाप्त हुआ,
अब आप दोनों सातवां फेरा लेंगे। इस सातवें फेरे के बाद आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और बुलबुल कहाँ है? पूरब, ये आखिरी फेरा बचा है, हम ये फेरा ले लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, चलो। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अरे ये सब लोग मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते, लेकिन तुम तो समझते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। I love you. और एक बार हमारी शादी हो जाएगी ना पूरब, तो everything will be normal, सब ठीक हो जाएगा। ओके, चलो ये आखिरी फेरा पूरा कर ले। हाँ, छोड़ो मेरा। ऐसी बातें कर रहे हो तुम पूरब? आखिरी फेरा है, come on, let's do it. हाँ, छोड़ो मेरा। ना आज ना कभी ना जिंदगी भर मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी पूरब, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कांट यू सी रैबिट? I'm sorry. You know what? I didn't mean to. I'm really sorry. चल। आलिया। पूरब का हाथ छोड़ो। नहीं भाई। देखिए, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। चल। आलिया, don't be mad. मैंने कहा पूरब का हाथ छोड़ो। भाई मैंने कहा ना, आप बीच में मत बोलिए। मेरा लास्ट फेरा हो जाने दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? Please stop this. मैंने तुमसे पूछा बीच में क्यों बोल रही हो? ये हमारा घर का मामला है। अरे तुम पागल हो गई हो? तुम जानती हो ना बुलबुल और पूरब की शादी होने वाली है, और तुम just shut up. बोला ना बीच में मत बोलो, मैं यहाँ पर मैं अपनी शादी कर रही हूँ। करो अपना ये पागलपन। अगर तुमने कुछ भी कहा ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकती, वो भी इस पूरे परिवार के सामने। क्यों ना बोलू मैं भाई? हाँ, प्यार करती हूँ मैं पूरब से, और जब कोई किसी को प्यार करते है तो उससे शादी करते है ना भाई। हाँ, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि जो मैं कर रही हूँ वो एकदम सही है, और जो आप लोग कर रहे हैं वो गलत है। भाई आप अपने दोस्त को उसके प्यार से दूर रख रहे हैं। आपको आपको पता नहीं है कि जितना प्यार मैं पूरब को कर सकती हूँ, उतना प्यार कोई भी नहीं कर सकता है। और ये सब कुछ वैसे हो रहा था जैसे होना चाहिए था। फेरे भी होने वाले थे, मेरी शादी पूरब के साथ होने वाली थी, लेकिन लास्ट मिनट पे
आप बीच में आए, अपनी बहन की खुशी आपसे देखी नहीं गई। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप मुझे नहीं, उस बुलबुल को प्यार करते हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा भाई। अरे आप भाई कहलाने के लायक ही नहीं हो। You're the worst brother in this entire world. नफरत करती हूँ मैं आपसे। आपने अपनी बहन का घर ही उजाड़ दिया। सुना तुमने इसने क्या कहा? आई एम द वर्स्ट ब्रदर। मैं भाई बनने के लायक नहीं हूँ, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। आप इसकी बात पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? वो पागल होगी, उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रही है। दादी आपने, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया, मैं अपनी बहन को प्यार नहीं दे पाया। अभी तू इसकी बात मत सुन, बिल्कुल ना सुनना। ये पागल हो गई है, पागल। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम इन पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें खुद पता है कि ये जितने अच्छे बेटे हैं उससे कई ज्यादा अच्छे भाई हैं। तुम्हारी हर मांग पूरी की है इन्होंने, तुमने जो मांगा तुम्हें दिया है। तुम आज इन पे इल्जाम लगा, खराबी इनमें नहीं, खराबी तुम में। और किस रिश्ते का वास्ता दे रही हो तुम इन्हें? तुम किसी रिश्ते के लायक नहीं हो। क्या कह रही थी? तुम प्यार करती हो पूरब से? पूरब से तो क्या, तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पास शायद दिल ही नहीं है। अगर तुम पूरब से प्यार करती तो कम से कम उसकी खुशी का तो ख्याल होता तुम्हें। तुमने पहले भी यही करने की कोशिश की थी और मैंने तुम्हें समझाया था कि पूरब तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रहेगा, लेकिन तुम नहीं समझी। और तुमने हम सबसे झूठ बोला, हम सबको भरोसा दिलाया कि तुम बदल गई हो। हम सब यही सोच रहे थे कि तुम्हें एहसास हो गया कि बुलबुल और पूरब एक दूसरे से प्यार करते, तुम्हें शादी से खुश हो, तुम खुद इस शादी की तैयारी कर रही थी। तुम जानती हो अगर आज ये शादी हो जाती तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती, लेकिन तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती। तुम जो इल्जाम इन पर लगा रही हो ना, खुद सोच कर देखो। इनफैक्ट तुम इनकी बहन कहलाने लायक नहीं हो। स्टॉप इट, स्टॉप गिविंग मी लेक्चर्स। ओके, आई डोंट नीड योर लेक्चर्स। मैं किसी को कोई भी सफाई नहीं देने वाली। ये मेरी लाइफ है और मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे इसमें क्या करना है क्या नहीं। अरे आज तक मैंने जो भी चाहे, जो भी मुझे चाहिए था मैंने लिया, तुम्हें अपने पूरा को क्यों ना? इसको तो मैं कितना प्यार करती हूं। पूरा, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। प्लीज ये आखिरी फेरा ले लो। आई बेग यू पूरा, आई बेग यू प्लीज। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आई बेग यू पूरा प्लीज मैरी मी। बस फेरे ले लो पंडित जी। आप प्लीज मंत्र शुरू कीजिए। पूरा बुलबुल कहाँ है? क्या फर्क पड़ता है पूरा? चलो मैं हूँ यहाँ। बकवास बंद करो, बुलबुल कहाँ है? मैंने कहा ना पूरब, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूँ यहाँ पर। आलिया मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ बुलबुल कहाँ है? बुलबुल 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 नहीं सुनना मुझको ये नाम, और तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं सुनना। नफरत करती हूँ उससे, घिनाती है उसकी, उसको नाम सुन के, उसको सामने देखकर तुम्हारी बहन से नफरत करती हूँ। इतने दिन उसको मैंने कैसे बर्दाश्त किया इससे मैं जानती हूँ। कितनी बार उसे समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं, वो समझना ही नहीं चाहती है कि पूरब मेरा है, मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मेरा होगा, लेकिन नहीं वो नहीं समझती ना पूरब। मैं क्या करूँ? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ओके कमान पंडित जी, आप प्लीज मंत्र शुरू कीजिए, हम फेरे शुरू करते हैं। कमान आलिया, बोल बोल का है भाई, ये मेरे और पूरब के बीच का मामला है, आप बीच में मत बोलिए। पूछ रहा हूँ बुलबुल का है? मैंने आपको बोल दिया भाई कि प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। ओके, मैं
आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बुलबुल कहाँ है? भाई, आपको कोई हक नहीं है बीच में बोलने का। अरे मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, रुक जाइए। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बुलबुल कहाँ है? मर गए बुलबुल। दिया मैंने उसे। अब हमारे बीच में बुलबुल कभी भी नहीं आएगी। पूरा सुना सब लोगों ने, मैंने बुलबुल को मार दिया, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। मुझे चिढ़ा रही थी बार बार कि पूरब के साथ ऐसा कहीं कि वैसा। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ रही थी। जान जान की मेरे सामने कर रही थी पूरब, मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे जेलस फील कराने के लिए। मैंने अंदर बहुत कंट्रोल किया, ओके, मैंने बहुत समझाया अपने आप को, लेकिन फिर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ पूरब, आई एम सॉरी। मैंने फिर बांस उठा के उसके सिर पर मार दिया। फाइनली वो वही पर है जहां उसे होना चाहिए। पूरा मेरी बात सुनो तुम। अरे वहां पर कुछ भी बचा नहीं है, वहां पर इट्स जस्ट अ बॉडी और मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूं। माल्या शट अप, पूरा मेरी बात सुनो। पूरा भी यहां पर मैं तुम्हारे लिए खड़ी हुई हूं। वापस आओ, मेरा पूरा करो, ये शादी होनी चाहिए। तुम्हारे सर पे चोट आई है, तुम प्लीज बिल्कुल मत हिलो, जस्ट डोंट टेक स्ट्रेस, तुम्हें कुछ नहीं होगा, एकदम शांत रहो, कुछ नहीं होगा। तुम्हें मैं से नीचे ले जाना होगा पहले। आलिया, ये क्या किया तूने? बुलबुल को क्यों मारा तुमने? पागल हो गई है तू, पागल? हाँ पागल हो गई हूँ मैं दादी, पागल हो गई हूँ मैं, पूरब के प्यार में पागल हो गई हूँ। हाँ, आप लोग समझते क्यों नहीं, मैं कितना प्यार करती हूँ पूरब से। अपने पूरब को पाने के लिए जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूंगी, और जो कोई भी मेरे बीच में आएगा मैं उसकी वही हालत करूंगी जो मैंने बुलबुल की। क्या हो गया है तुझे, क्यों कर रही हो ऐसा? दीदी उसे छोड़ो, वो देखो बुलबुल